नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। मधुबनी डीएम अरविंद कुमार बुधवार को इंडो नेपाल बॉर्डर से सटे जयनगर पहुंचे और बारी बारी से कई सरकारी कार्यालयों अस्पतालों का निरीक्षण किया। जन कल्याणकारी योजनाओं का जायजा लिया। कमल बरास का निरीक्षण कर संभावित बाढ़ पूर्व की जा रही तैयारियों का भी जायजा लिया। डीएम ने सबसे पहले जयनगर प्रखंड कार्यालय का निरीक्षण किया। प्रखंड सौ अंचल कार्यालय परिसर स्थित आरटीपीएस काउंटर बंद पड़े कौशल विकास केंद्र का निरीक्षण कर जायजा लिया। निरीक्षण के पश्चात प्रखंड सौ अंचल कार्यालय के विभिन्न दफ्तरों का भी निरीक्षण कर जायजा लेते हुए कर्मियों से वार्ता की। डीएम वीडियो कार्यालय पहुंचे। कार्यालय में एसडीएम बेबी कुमारी, सीओ सुधीर कुमार, वीडियो उमा भारती के द्वारा शॉल और बुके देकर जिलाधिकारी का स्वागत कर सम्मानित किया। वीडियो के कार्यालय में डीएम पदाधिकारियों के साथ विभिन्न अभिलेखों की बारीकी से जांच कर विभिन्न योजनाओं को लेकर विस्तृत जानकारी लेते हुए योजनाओं की समीक्षा की। इधर जिलाधिकारी के जयनगर पहुंचने पर डीएम ने भूषण सिंह के नेतृत्व में दर्जनों की संख्या में पर्चाधारियों मुनिंदर पासवान समेत विभिन्न समस्याओं को लेकर फरियादियों से मुलाकात की और फरियादियों के द्वारा डीएम को मांग पत्र और समस्याओं के समाधान का निदान को लेकर ज्ञापन सौंपा। डीएम के द्वारा फरियादियों को हर संभव मदद और मामलों की जाँच करने का आश्वासन दिया। डीएम प्रखंड सौ अंचल कार्यालय में योजनाओं और